वक्त की साफ ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। Respected senior on the dais, Vice Chancellor sir, distinguished teachers and alumni of the university, and dear student, Assalamu alaikum. First of all, I am thankful to the organizing committee of this alumni meet for inviting me and giving me opportunity to share my thought on this great platform that is a Kennedy Auditorium. So sir, I am really thankful to you. It was not very far when I was there and a speaker like me and sir was speaking, and I was one of the volunteer in one of the alumni meet in 2007. So at that time there were many speakers, many civil servant who came, and one of the civil servant was Zuhair bin Sagir, 2005 batch. He was from electrical engineering department, and the way he has spoken in the speech, I got motivated towards civil service after that. So ye alumni meet aur ye sessions aise hi nahi jate, yahan koi na koi hoga jo hamari baat ko sun raha hoga aur wo civil service ki taraf motivate hoga. So since we are talking about civil service, ये जानने की जरूरत है कि सिविल सर्विस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये अलुमनाई मीट है, इसमें एक 1 आवर का सेशन सिविल सर्विस के लिए रखा गया है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? क्योंकि स्टूडेंट की तादाद बहुत ज्यादा है तो मैं सिविल सर्विस पे ही ज्यादा बात करूंगा, और कैसे इसको क्रैक किया जाए उस पर बात करेंगे। तो सिर्फ द मेजर रीजन इज सिविल सर्विस इज स्टील फ्रेम ऑफ दिस कंट्री। इफ यू वॉन्ट टू अर्न मनी, इफ यू वॉन्ट टू अर्न position, civil service is not your destination. But if you want to earn respect, if you want to earn blessings from the society, definitely civil service is your destination. We sometimes complain, yahan sadak kharab hai, yahan bijli nahi aati, pani nahi aata, corruption hai society mein. To isko dur karne ki zimmedari kiske paas hai? अगर आप सिर्फ कंप्लेन करते रहेंगे तो सोसाइटी इंप्रूव कैसे होगी? अगर इन सब परेशानियों को आपको दूर करना है तो सिविल सर्विस की तरफ आइए। सिविल सर्विस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सोसाइटी में टेंजिबल चेंज ला सकते हैं। बहुत एक एग्जाम को क्वालिफाई करके आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हमारे सीनियर डायरेक्टर एजुकेशन है झारखंड, सो ही इज लुकिंग आफ्टर द होल एजुकेशन ऑफ झारखंड। सो इन सच ए इतनी कम उम्र में वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है। तो ये सिविल सर्विस ही है जो कि आपको ऐसा मौका आपको दे सकता है। सिविल सर्विस को क्वालिफाई कैसे किया जाए, उस पर एक शेयर मैं पढ़ता हूं। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाक अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो आपको अमल करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। सिंस मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं तो मैं अपने बारे में आपको बताता हूं कि मैं नूरुल हसन कौन है। मेरी एजुकेशन अप टू 12th क्लास, बिलीव मी, मेरी एजुकेशन थ्रू आउट हिंदी मीडियम में हुई। मैं प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ा, सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा, 12th में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि इंजीनियरिंग की कोचिंग भी कर पाए। तो इंजीनियरिंग की कोचिंग करने के लिए पापा ने घर एक एकड़ जमीन थी, वो जमीन बेच के इंजीनियरिंग की कोचिंग कराई, और फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन एएमयू में हो गया। और एएमयू ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि मैं आज इस मुकाम तक अगर मैं खड़ा हूं तो उसका बहुत बड़ा रीजन एएमयू है। यहां तालीम और तरबियत का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, सर सैयद अहमद खान ने एक इतना अच्छा कॉम्बिनेशन खड़ा किया है। तालीम भी है, तरबियत भी है। अगर आप खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे आप इंप्रूव कर सकते हैं। आप खुद को कोयले से हीरा बना सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि कैसे बनाएं। सब लोग आते हैं, सब लोग
बीटेक करके पास हो जाते हैं लेकिन खुद की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाते, उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिटरेरी क्लब है, यूनिवर्सिटी लिटरेरी क्लब, यूनिवर्सिटी हॉबीज क्लब, इंजीनियरिंग कॉलेज में एक फोरम हुआ करता था इंजीनियर सॉल्यूशन। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि आपको सिविल सर्विस में आगे आने वाले टाइम पे इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के मैंने फिर यहां से बीटेक किया। बीटेक करने के बाद मेरी दो नौकरी लगी टीसीएस एंड सीमेंस में। सीमेंस के बाद आई वॉज साइंटिस्ट इन एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर फॉर 4 ईयर। और वहां रहते हुए मैंने तैयारी की, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ और वन ऑफ द बेस्ट कैडर महाराष्ट्र कैडर मुझे मिला। यहां पर दो मिथ ब्रेक हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली मिथ तो ये है कि कोचिंग के बिना सिविल सर्विस में सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैंने विदाउट कोचिंग, बिलीव मी, विदाउट एनी कोचिंग आई हैव क्रैक दिस एग्जाम। और सेकंड मिथ ये है कि यू नीड टू बी कॉन्वेंट एजुकेटेड, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप टॉपर्स होने चाहिए, उनका ही सिलेक्शन होता है। तो मैंने आपको बताया मेरी पूरी एजुकेशन हिंदी मीडियम में हुई है। तो व्हेन आई कैन क्रैक, एक छोटी फैमिली से आकर एक हिंदी मीडियम से पढ़कर जब मैं क्वालिफाई कर सकता हूं इस एग्जाम को, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके अंदर क्या कमी है? डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि नहीं तेरा नशे मन खसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो अपने पोटेंशियल को पहचानने की जरूरत है आप लोगों को। आपको कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, 4-5 पॉइंट हैं कि व्हाट यू नीड टू डू। फर्स्ट यू नीड टू सेट योर गोल्स, व्हाट यू वांट टू बी, आइदर यू वांट टू बी सिविल सर्वेंट और यू वांट टू बी डॉक्टर, व्हाटएवर यू वांट टू बी, सेट योर गोल फर्स्ट। एंड जैसा सीनियर, हमारे सीनियर मॉर्निंग सेशन में बोल रहे थे कि अपने गोल छोटे मत रखिए, बहुत बड़े गोल बनाइए और फिर उसको अचीव करने के लिए एक टाइमलाइन बनाइए, 4 ईयर 5 ईयर, और 4 ईयर 5 ईयर को फिर डिवाइड करिए मंथ डेज में और हर दिन अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करिए। इफ यू कैन डू इट यू कैन अचीव एनी एम। दूसरी चीज है डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल, नॉट ओनली स्पीकिंग बट ऑल्सो राइटिंग। हाउ कैन यू डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल? यू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ज्वाइन लिटरेरी क्लब, हॉबीज क्लब, इंजीनियर सॉल्यूशन एंड डिफरेंट प्रोग्राम विच आर हेल्ड इन योर रेजिडेंशियल हॉल्स। सर वॉज टेलिंग अबाउट रीडिंग हॉबी, रीडिंग बुक्स। आई विल टेल डेवलप हॉबीज ऑफ रीडिंग न्यूज पेपर। इफ यू वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जाम द न्यूज पेपर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। One thing which was in me, I used to read newspapers since my 5th standard. That too in Hindi medium, but I used to read. So I would urge each one of you to read newspaper, to have opinion on various national and international topic. अगर आप इन सब बातों को कर पाएंगे तो आपको कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो आपको सिविल सर्विस में या आपका कोई भी एम अचीव करने से रोक सके। एक और शेर है वो स्टूडेंट्स को मैं बोलना पढ़ना चाहूंगा। खोलो आंखें, जमीन देखो, फलक देखो, फिजा देखो, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देखो। अगर आप कोशिश करने के लिए तैयार हैं तो बिलीव मी हम भी एक कदम आगे बढ़कर आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए होगी वो रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी हमारे यहाँ अवेलेबल है। रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी आपको गाइडेंस देने के लिए तैयार है। 2015 बैच के एएमयू स्टूडेंट ने एक पोर्टल शुरू किया था amu2ias.wordpress.com। 2 साल में अब तक इस पे थाउजेंड्स ऑफ हिट्स हुए हैं और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट को हमने गाइडेंस दिया है उसके थ्रू। तो इस तरीके के जो एफर्ट हैं वो हम करते रहेंगे। और अभी सुबह में एक पोर्टल लॉन्च हुआ है एएमयू कनेक्ट, वो पोर्टल हमारी इसमें मदद करेगा। एक रिक्वेस्ट मेरी सीनियर अलुमनाई से भी है कि आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप समय समय पर यूनिवर्सिटी आइए, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से इंटरेक्ट कीजिए और स्टूडेंट को मोटिवेट कीजिए।
एक डेटा है, 2015 में 6 सिविल सर्वेंट सिलेक्ट हुए थे जिसमें मैं भी एक था, 2016 में 1 आईपीएस हुआ, 2017 में 1 आईएएस हुआ। मैं चाहता हूं 2018 और 19 में ये 1 का फिगर जो है 10 और 20 के फिगर में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको एफर्ट देने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में मेरे साथ जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ पे बैठे हुए होंगे। मैं अपनी बात को डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक और शेर है उसके साथ ख़त्म करूँगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि बंदा खाक में मिलकर गुले गुलजार। जय हिंद।